आप देखिए इस बच्चे की जान भी जा सकती थी कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा अबोध बालक निर्दोष बालक खूब रोवत रहा तो हम उधर से लखा ये किस तरह फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करने की तस्वीरें आ रही हैं। मगर इस बीच प्रयागराज की एक तस्वीर ने सबको हिला दिया है, जो विरोध प्रदर्शन की नहीं बल्कि उसे लेकर जो हड़बड़ी शिक्षक कर रहे हैं उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं उसकी है। प्रयागराज के ग्रामीण आंचल में बना एक प्राइमरी स्कूल और इसमें बंद एक छोटा सा बच्चा, बाहर लटका हुआ ताला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में स्कूल बंद करने के चक्कर में एक बच्चा विद्यालय में ही कैद हो गया और ये जल्दबाजी इस बात की कि शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे बाकी शिक्षकों के समूह के साथ मिलना था। काफी देर तक ये बच्चा बंद रहा, जिस कारण परेशान हुआ और जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए और वहीं पर इस बच्चे को ढूंढने वाले ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। ये लापरवाही का मामला आप अगर आप देखेंगे, ये प्राथमिक विद्यालय लोहरा विकासखंड मेजा जनपद प्रयागराज का है। आप देखिए, टाइम बताओ, टाइम 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 बताओ। 2:30 में 2 मिनट बाकी है, 2 बज रहा है और आप देख सकते हैं ये 3-4 साल का ये बच्चा, ये लापरवाही की जीती जागती मिसाल आपके सामने है। का नाम बता सुपर, तो तू यहाँ कैसे? आप देखिए कि ताला लगा हुआ है, चला गए हैं और विद्यालय प्रशासन अध्यापक यहाँ पे कार्य कर रहे जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही का इतना ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा अबोध बालक निर्दोष बालक खूब रोवत रहा तो हम उधर से लखा ये किस तरह फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है। ये इस तरह के मामले बहुत ही गंभीरता से ले जाने चाहिए। आप देखिए इस बच्चे की जान भी जा सकती थी क्योंकि ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, किस परिस्थिति में कैसे रहा होगा, अपनी मन की व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ लगातार रो रहा था। वो तो जाते समय अचानक से हम लोगों की ऐसा आभास हुआ। अभिभावकों को जानकारी देने के साथ बीएसए से इस बात की शिकायत की गई तो बीएसए की फटकार के बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे और गेट खोला, तब जाकर ये बच्चा बाहर आया। पता चला है कि जिले के मेजा विकास खंड के लोहरा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को 3.5 साल का ये बच्चा अपनी बहन के साथ आया था। शिक्षकों ने बच्चों से कहा कि वो लोग डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं, सो स्कूल की छुट्टी कर दी गई। छुट्टी होने के बाद बहन को लगा कि भाई घर चला गया है, इसीलिए वो उसे बिना लिए ही चली गई। और शिक्षक तो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने बिना जांच किए ही स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। जारी पत्र में बताया गया है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे से पहले ही कर दी गई और विद्यालय में भी ताला 2 बजे से पहले ही लगा दिया गया, जबकि शिक्षकों को दोपहर 2:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। NBT ऑनलाइन के लिए प्रयागराज से शिव पूजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।